नमस्कार दोस्तों, टेक्नोविज यूट्यूब चैनल में मैं आविष्कार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरी एक रिक्वेस्ट वीडियो है। अगर आपको भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो कमेंट में आपको जो वीडियो चाहिए टेक या गेम रिलेटेड टॉपिक पे, तो वो आप कमेंट के द्वारा हमें बता दीजिए। अगर वो टॉपिक आ जाए तो हम जरूर से उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए घंटी, ताकि हमारे चैनल पर मिल जाते हैं ऐसी टेक्निकल और गेमिंग रिलेटेड वीडियोज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए तो यहाँ पे दोस्तों आपको सब्सक्राइब का बटन रेड कलर में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और ऐसी बेल आइकॉन होते हैं उस पर भी क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे पेजेस को सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आपको ई स्पोर्ट्स क्रिकेट 2014 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आके यहाँ पे हमारे ब्लॉगर की लिंक डालनी है, technovi37.blogspot.in। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो ऐसे लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल ऐसा एक ब्लॉग दिखाई देगा। दोस्तों, मैं ये जो आपको सबसे पहले डाउनलोड की फाइल देने वाला हूँ वो टोरेंट की फाइल है। और टोरेंट की फाइल ओपन करने के लिए टोरेंट सॉफ्टवेयर या फिर फ्री डाउनलोड मैनेजर ये सॉफ्टवेयर लगता है। तो दोस्तों, आपके पास फ्री डाउनलोड मैनेजर सॉफ्टवेयर होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हाउ टू डाउनलोड लार्ज फाइल्स, बिल्कुल ऐसे दोस्तों लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने एक पोस्ट दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये सब कुछ पढ़ दीजिए। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर से आप टोरेंट की फाइल और भी बहुत कुछ आप इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए आई बटन में और एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से आप दोस्तों इस मैंने इस फ्री डाउनलोड मैनेजर के एक वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इस क्लिक हियर टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपकी ये फ्री डाउनलोड मैनेजर सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगा। और दोस्तों, डाउनलोड होने के बाद आप इसे सक्सेसफुल इंस्टॉल कर दिए। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं अभी इंस्टॉल नहीं करने वाला। दोस्तों, इंस्टॉल होने के बाद आप फिर से सर्च बार में यहाँ पे टाइप कर दीजिए ई स्पोर्ट्स क्रिकेट 2014, बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो दोस्तों, आपके सामने एक और पोस्ट आ जाएगा, तो दोस्तों इसको आप ओपन कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों क्लिक हियर टू डाउनलोड ये क्रिकेट 14 टोरेंट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, उसके बाद आपके सामने एक मीडिया फायर का एक वेबसाइट खुलेगी, तो यहाँ पे आप डाउनलोड दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपकी जो फाइल है वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। 14 KB की वो फाइल है, आप दोस्तों उसे यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर दीजिए। और डाउनलोड होने के बाद अगर आपने फ्री डाउनलोड मैनेजर सक्सेसफुल इंस्टॉल किया हुआ है तो इसे आप ओपन कर दीजिए, आपके सामने डायरेक्ट फ्री डाउनलोड मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद आप दोस्तों यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर दीजिए, कहाँ पे आप इस डाउनलोड को सेव करना चाहते हैं, यहाँ से आप दोस्तों इस लोकेशन को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो सब फाइल सिलेक्ट कर दीजिए और डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोरेंट की फाइलें थोड़ा सा लोड लेते हैं, आपके पीसी के ऊपर और आपके नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड है कि ये डाउनलोड की स्पीड कितनी लेगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, ये थोड़ा वक्त लगता है इसे डाउनलोड होने में। आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक जाए और फिर आपकी ये डाउनलोड चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कि आप ई स्पोर्ट्स क्रिकेट 2014 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिए। दोस्तों, अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता दीजिए। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।